चलो लिख लिया, तो बताओ फिर सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने किया? यूनानियों ने। लिखते रहना भाई साथ में, ठीक है? ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सीधा आंसर है, लिखते रहना भाई। और थोड़ा स्पीड भी डालो भाई, तुम भी लिखते रहना भाई, हैं? इसका रिमोट मंगवाना पड़ेगा भाई, इसका रिमोट मंगवाते हैं, उसको बुला के लेके। चले भाई आगे, चलो अगला क्वेश्चन। चावल के साग से हमें कहां से मिले हैं? ए बोलना नहीं है, चावल के साग से हमें कहां से मिले हैं? लिखो जल्दी से, लिखना है अभी, थोड़ा स्पीड से, कि चावल के साग से हमें कहां से मिले हैं? एक बार में पढ़नी है, बार बार मुंडी ऊपर नीचे नहीं करनी है, एक बार में पढ़ो। रंगपुर हूं लोथल से, एक बार में पढ़ो क्वेश्चन को, कितनी बार बता दिया, बार बार मुंडी के ऊपर करते हो, मुंडी ऊपर कर लिया इसका मतलब मैं समझूंगा लिख लिया तुमने। अच्छा मुंडी ऊपर नहीं कर रहे हैं, आंखें ऊपर कर रहे हैं ऐसे ऐसे, पर करेंगे पक्का है। अरे एक बार में लिख डालो एक लाइन को, हाँ बिल्कुल, वहां से रिमोट लेके आया इसका मेकअप का, कहां यहां पूछ उसको कॉल लगा के। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी, क्या थी या कहां थी, बात एक ही। बेटे पूरे पकड़ रहे हैं, लॉजिक टू लॉजिक है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो बताओ क्या थी, थानेश्वर क्या थी या कहां थी? थानेश्वर। लिख लिया, चलिए अगले क्वेश्चन में। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? ये मर्तकों का टीला वाला ये क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? प्रभु सभ्यता तो है, मुझे भी पता है, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है? अभी देखते हैं किसका सही निकलता, देखें। दो नदियों के बीच की भूमि, मर्तको टीला कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो है। लिख लिया, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? अरे चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? सारे दिल्ली पुलिस वाले अब तो अंदर है कि और भी दो चार मुर्गे हैं इधर उधर के? आओ एक दो मुर्गे तो अब रहेंगे ही रहेंगे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ, तो बाकी ऐसे जिंदगी वालों के काम आ जाएगा, आर्मी वालों के भी काम आ जाएगा, तो हिस्ट्री है। लिख लिया, नवपाषाण काल में, कौन से काल में? नवपाषाण काल में, कौन से काल में? अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? लिखो श्रीनगर, देखो नगर के आगे भी श्री लगा रखा है इन लोगों ने, हैं? अरे कि यूपी वाले सीधा लखनऊ, श्री है ही नहीं, ऐसे करो श्री लखनऊ, वो तो लखनपुर नाम कर रहे हैं लखनऊ का, लक्ष्मणपुर नया नाम लखनऊ का। हाँ, अशोक ने विस्तता नदी के तट पर, श्रीनगर में और कौन सी झील है? डल झील है ना, और उल्लर झील भी है जम्मू कश्मीर में। अरे श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अरे किसने की थी, आवाज नहीं आ रही, किसने की थी? हाँ इस बार आवाज आई है, अशोक ने। लिख लिया, चलो भाई आगे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर स्वामी की बात है, ये नहीं तुम्हारे साथ वाला कोई महावीर है उसकी बात है। अमित पड़ोसी की बात नहीं है, महावीर स्वामी की बात है।
हाँ सोच रहा है उसके तो कोई शिष्य ही नहीं है, तो हम खुद हमारे साथ शिष्य है। हाँ? अरे महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे, क्या कहलाते थे, आवाज नहीं आ रही, क्या कहलाते थे, गणधर कहलाते थे, क्या कहलाते थे, गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सी सभ्यता का भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था, बताओ देखिए लाडलो कौन सा था, दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र कौन सा था भाई, दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, इनको लाइन टू लाइन याद कर लेना, देख लेना, दिल्ली पुलिस में यही जान बचाएंगे तुम्हारी, ठीक है, तुमको दिल्ली पुलिस में शहीद होने से ये रोकेंगे क्वेश्चन, लिख लिया। चलिए भाई, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, द्वारे, अरे क्या थी, द्वार समुंदर, लिख लो देखिए जल्दी जल्दी, चले आगे। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गंगों की प्रारंभिक राजधानी, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, वो बताओ भाई क्या थी, क्या थी, अरे गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कोलार, ये वाली कोलर नहीं जो मैं ठीक कर रहा हूं, कोलर जगह का नाम है। चौथी बुद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये टोटल 4 बुद्ध संगीति हुई थी ना, सब अलग अलग काल में हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चौथी बुद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, चले, कनिष्क के काल में, किसके काल में लड़कियों, किसके काल में, हाँ मैं सोचा लड़कियां कुछ और बता देगी, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, बता सकती है अलग, अशोक बता दे, अशोक के काल में कौन सी हुई थी, तृतीय, हाँ तीसरी बोध संगीति। अगला, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई, उसी का लाया है ना, कुछ और तो नहीं लिया है, तेरा भरोसा नहीं है, अरे पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, अरे बोलो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्र बरदाई, लिखते जाओ याद तुरंत ही करते जाओ, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ख्यालों में नहीं खोना है बच्चे, जो तू ख्याल देख रहा है वो काम में नहीं आएंगे, समझे बात को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जीके तैयार हो जाएगी भाई, है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक
कौन थे? चलिए देखते हैं कौन थे। कपिल मुनि कौन थे भाई, याद कर लेना। कपिल रे साखे दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। मुनि याद हो गया, देख लेना अब नहीं भूलना मुनि है, तेरे नाम पे तो साखे दर्शन वाला क्वेश्चन। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया? 1911 में, 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था और 11 में वापस वो मामला सेट हो गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच। ये कहां ला रहा है देखो, ये कौन आजाद हुआ था? तू खुद आजाद हुआ था क्या? अरे चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? लिख लिया? ओके तक लिया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? लिखो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसी का दूसरा नाम क्या था? अरे दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना वहां ऑप्शन में आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पता नहीं इन लोगों को नाम नहीं मिलते थे क्या है? मतलब 1 2 3 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जैसे यहाँ अकेडमी में करना पड़ा रोहित नाम के बहुत सारे आ गए हैं, रोहित 1 2 3 4 ऐसे है। एक विकास है ना, विकास 8 है। हाँ बोलो, विकास प्रथम, विकास द्वितीय, विकास तृतीय, विकास चतुर्थ है। अब तुम भी ऐसे नाम रख ले समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? हाँ सितंबर और लिखो पहले। हाँ हाँ प्रभु भाई सही पकड़े हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और बौद्ध धर्म के? गौतम। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी। और बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? ज्ञान की। तो तुम्हारे लिए तो बोध गया फिर कमांडो अकेडमी है। अरे तुम्हारे तो बोध गया यही है, यही हो रही तुमको ज्ञान की प्राप्ति। जम्मू कश्मीर दे लेना, तेरा भी बोध गया यही है। लिखो श्वेतांबर और दिगंबर। अरे जैन धर्म के दो संप्रदायों के नाम बोलो, श्वेतांबर और दिगंबर। याद होना चाहिए साथ में, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, इतना समय भी नहीं है तुम्हारे पास में। बीजी भी तो हो, बाद में सपने भी तो देखते हो तुम टुकुर टुकुर है? दोपहर में सपने देखते रहते हैं, चांद तारे, वाह 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 क्या बात है। और आजकल तो गाना भी आ गया, चांद तारे लाऊंगा फलक पे, है ना ऐसा करके कभी नए नए गाना भी आया, तेरे वास्ते में क्या है? अरे रुको, क्या है? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अब वो अगली मना कर रही है, चांद नहीं चाहिए तू बेटा नौकरी लेके आ जा। मैं तो उसी को चांद मान लूंगी, मेरा चांद तो तू ही है, बस तू चांद नौकरी लग के आ जा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? हाँ लिखो। नहीं बोला रहे तू चांद रहने दे भाई, चांद पे तो आज
चंद्रयान तृतीय जाने वाला है 2:30 बजे, तो हो सकेगा तुमको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। कुछ लोगों के गलत ऐसे थुक्के मार रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। बेटा ढक्कन हटाले इसके ऊपर से, और ये ऊपर लाइन मत खींचे तू। लाइन की कहां जरूरत है ऊपर लाइन खींचने की, लाइन खींची हुई तो है कॉपी में। चले आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? अभी हमने पहले पढ़ा था दक्षिणी, और ये कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। चले आगे, चलो भाई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अगर लाइट है तो एसी चला दीजिए भाई साहब। क्यों भाई साहब, जाइए कपिल जा, एसी चला क्या? अरे ऐसे हो जाए ना, ऐसे हाइट भी बढ़ जाएगी तेरी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अरे बोलो किसे माना गया है, किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। अब तुम ये सोच लेना मत कि तुम्हारे कहीं सगाई कर दे किसी सरस्वती नाम की लड़की से तो पवित्र ही होगी। ठीक है, देख लेना, वो नदी की बात अलग है। हाँ, शादी से पहले फिर बाद में वो पता नहीं कौन सा काली का रूप ले लेती है। पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ बात की, पहले तो बोलते जी हमारी लड़की तो गाय है, गाय। बाद में बताते हो चाल हो रही है, सिंह भी है उसके। और लाते मारती रहती है गाय आजकल। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? अरे वो एक कवि है ना, वैसे बोलता है ना, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? वो बीच बीच में चलाता है ना ट्रेंड पुदीना। लिखो भाई, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? मनीष गढ़वाल। चंद्रदेव कौन था? अरे लेजेंड कहां ध्यान है, चंद्रदेव लिख रहा है ना, लिखते रहना है भाई। अरे गेट बंद करो, ऐसी चल गई। हाँ, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस वंश के समय लिखी गई थी? सुगु वंश के समय। लिखो लिखो, लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये लाइन एक बार में लिखनी है और ये लाइन भी एक बार में। दो बार बोर्ड की तरफ नहीं देखना है। अगर दो बार, अगर कोई दो बार से ज्यादा देख रहा है इसका मतलब मैं समझूंगा वो मुझे देख रहा है, उसको मैं ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं। हां मैं हूं, ऐसी बात नहीं है। हाँ तुम भले तुम मानो ना मानो पर मुझे पता मैं हूं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद
जमाली, अरे जाली नहीं क्या जाली, जमाली। मुझे ऐसा लग रहा है दामाद जी चले गए थे ससुर जी के पास में कि भाई ये क्या करा कर यार मेरी जिंदगी में, मेरे को तो यही रख लो। है सेन वंश का संस्थापक कौन है था, किसको याद है भाई? भाई बहुत पुरानी जीके रे, तुम तो बहुत जीके मतलब बहुत गिरे हुए इंसान हो जीके में, तुम तो किसी को आंसर आ ही नहीं रहा है। कोई एक दो क्वेश्चन भी नहीं पता तुमको, तुम पढ़ क्या रहे हो है? अगर मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गए तो फिर क्या दोगे रे तुम? सामंत सेन, तो फिर तुम पढ़ क्या रहे हो? और अब तक क्या पढ़ा है तुमने? इतने बड़े हो गए हो तुम, डाढ़ी मूछ आ गई तुम्हारे। हाँ दो तीन आदमी के नहीं आई है, बाकी तो आ गई है ऑलमोस्ट। अरे लड़कियों की आती ही नहीं है, बोल रहे नहीं आई सर, लड़कियों की चोटी आ गई ना। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? किस किस को आता हाथ के ठेकरो देखे बताओ भाई? सिद्धार्थ पुत्र का था गौतम बुद्ध के पिता का नाम राहुल, शुद्धोधन। ये भी नहीं पता तुमको, बहुत बुरे हालात में हो तुम। इस हालात से जिंदगी को निकालने के लिए तुमको कम से कम एक दिन में 24 घंटे के बजाय 26-27 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं, अरे तुम पढ़ते हो तो तुमको याद नहीं होता कि ये पढ़े ही नहीं है तुमने, पढ़े ही नहीं है। हाँ इसको पढ़ने को कहाँ टाइम है, व्हाट्सएप की चैट ही पूरी नहीं पढ़ पाते सर, इतने मैसेज डाल रखे हैं। अरे व्हाट्सएप की चैट ही पूरी नहीं पढ़ पाते हैं एलबीएस। हाँ इसको पढ़ने का कहाँ टाइम मिलेगा। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? एक बात ध्यान रखना, देखना तुम कौन सी स्थिति से निकल रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता, यहां से शुरुआत हो रही है तुम्हारे, ध्यान रखना। और आफ्टर 3 महीने बाद में हमारी मुलाकात जब होगी ना, तब तुमको सब कुछ आ रहा होगा। अरे अपना लेवल पता चल गया तुमको? हाँ तो 90 दिन बाद में फिर मुलाकात जब होगी हमारी, फिर देखना। हेलो नमस्कार जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सब सब दिला देंगे, सब दिला देंगे, ठीक ठीक। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? हाँ राजेंद्र, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? देख लेना तुम्हारा क्या स्तर है, हर एक क्वेश्चन पे अपने आप की जांच करते रहना कि हमको एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है? अरे फिर तुमको आ जाएगा ना, फिर तुम होशियार बन जाओगे। अरे हमको तो सब आता था, बस वो तो उस समय हम बताते नहीं थे। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग कौन था? हाँ दंती दुर्ग, लिखते रहना बेटा। और इतना ए अमित उसकी वाली बात इसको क्यों बता रहा है? वो तेरी पर्सनल बात है, फिर मान ले इसको पता चल गया, इसने उसके भाई को बता दिया तो इतने ये तकलीफ में बाढ़ पाट जाएंगे। हाँ उसको बता रहा है, वो तो खुद एक नंबर चुगल मास्टर है जिसको तू बता रहा है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये सबको पता होगा,
ये किसको पता हाथ खड़े करो, ये अगर किसी को नहीं पता शर्म आनी थी है? जिसको पता हाथ खड़े करो भाई। लो अरे भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है भाई? ये भी नहीं बता रहे तुमको, क्या पता होगा। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कि तू माने या ना माने दिलदारा है? कि तू माने या ना माने दिलदारा असी ता तेनू रब मनिया हो तू। महावीर जैन को, सही बात है, वो संस्थापक है और वास्तविक तौर पे इनकी वजह से वो काम सारा प्रस्तावित किया गया। ध्यान रखना, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अरे किसे माना जाता है? हाँ जो सो रहे हो जग जाओ। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? लिखो जल्दी जल्दी, कब आयोजित की गई? 512 ईस्वी में। कब की गई भाई? 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? 512 ईस्वी में। लिख लिए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं? पानी दा रंग वेख के, या कईयों को अंदर से दिल कर रहा है गाने को, अरे अभी आगे बुला लूंगा तो पानी पानी हो जाएगा, है ना? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे भाई? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? सामवेद तो संगीत का है, जादू टोने वाला है तंत्र मंत्र वाला? अरे तंत्र मंत्र वाला, महाराज वाला, जिसमें जादू टोने का बहुत नाम लिया गया है, अर्थव्य वेद। चलो एक छोटी सी चीज चेक कर लूं, क्या तुम्हारी 5 मिनट लगेंगे बीच में है? देखे तुम में से किस किस में दिमाग है, कर लूं क्या? चलो मान के चलिए एक इंसान के पास में 10 किलो दूध है, कितना किलो और क्या है ये दूध? इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया हुआ है, ठीक है? 10 किलो दूध है। अब उसके पास में 2 मापतोल वाले हैं, एक है 3 लीटर का और एक है 7 लीटर का। कितने लीटर का? अब इसको किसी को 5 केजी दूध देना है, कितना केजी देना है? 5 केजी दूध देना, कैसे देगा? अरे मौका देंगे, जिसको मौका लेना है इधर आ जाइए, वे इधर से नहीं, पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर आ सकते हैं, हो गया तो आ जा। अब तू ऐसे मत करना कि सर इतना सा आया था तो 5 केजी होगा, वो नहीं चलेगा, अलग अलग है। ये झार अलग कंपनी का है और इसकी डिजाइन अलग कंपनी की है, इस तो कैसे पिएगा आधा, तेरे को पता कैसे चलेगा आधा पी जा भली। ए रुक जा, बेफालतू का लॉजिक नहीं, जिसको क्लियर हो है? तो 10 केजी में 2 साथ साथ के कैसे डाल देंगे बेटा? अरे तो 2 साथ साथ के कहां डालेगा, जब 10 केजी दूध है तो 2 साथ साथ के कैसे डाल देगा?
अच्छा साग डाल दी, ये बोल रहा है कि साग डालो सर जी और तीन काटो तो चार बचा। अब मैं बता रहा हूं, हाँ ये हाँ ये सही बताया। पहले क्या करेंगे देखो, ए सुन लो, तीन केजी के पहले तीन बार डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लीटर, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, 7 केजी माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2 लीटर, और इस 2 लीटर में इस 3 लीटर को मिलाकर कितना दे देगा वो 5 केजी। बस ये एक बंदे में दिमाग है, बाकी सब अनपढ़ ही अनपढ़ है। अशोक के पिता का क्या नाम था? ये फायदा होता है मैथ का, टीचर जीके पढ़ाता तो भी मैथ घुसेड़ देता है, है? क्या नाम था अशोक के पिता का? बिंदुसार, बिल्कुल सही। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। मतलब तुम्हारा दिमाग कैसे भी चेक कर लो 1% भी नहीं आ रहा है, माइनस में है। एक क्वेश्चन और पूछू क्या रे? हाँ पर रीजनिंग में पढ़ाएंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऋतिक रोशन ने, ये बोल रही लड़की ऋतिक रोशन ने। अरे ऋतिक रोशन ने तो फिल्म बनाई थी, खोज उसने थोड़ी ना की थी। राखेल दास पक्का, कब की थी? कब की थी? 1922। कब की थी भाई? अरे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखेल दास, और इन्होंने कब की थी? 1922 में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। देख ले, ले आ जा मैदान में देख ले भाई। ये एसी वाला भैया, एसी की हवा आ नहीं रही भाई, हमको पसीना हो रहा भैया। अच्छा वो स्कीम करनी पड़ेगी, पता नहीं पीछे से पसीना निकल रहा है, कहां कहां जा रहा है। अरे पीछे से मतलब पीठ से। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चौथी तो भी हमने पढ़ी थी कनिष्क की। अच्छा अध्यक्षता में किसके शासन काल में हुई थी? ये कनिष्क। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष के अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तुम में से कईयों को आते ही नहीं, बिल्कुल कईयों क्या 90% को तुमको पता ही नहीं है, तुम पहली बार देख रहे हो ऐसी चीजें। हैं हाँ बच्ची, बस दूसरी टर्म लगाने में रहेगी, लिख लिया। अरे चौथी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? अरे बोलो, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? अरे किसे माना जाता है भाई? जैमिनी को। किसे माना जाता है? जैमिनी को। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था?
कुत्ता, ये कुत्ता बहुत खतरनाक चीज है, चंद्रमा पर भी पहले यही गया है। हाँ उसका क्या नाम था? हाँ कुतिया, कुतिया भाई कुतिया। हाँ क्या नाम था? लाइक का है ना, चंद्रमा पर जाने वाली पहली कुतिया का नाम था लाइका। लाइका गई माइका, कुत्ता के कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार जानवर है होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? महाराष्ट्र कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई? ऋग्वेद। लिख लिया। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी भाई? मथुरा। लिख लिया। अरे जब मैं बोलता हूं तो साथ में बोलना है, साथ में जब बोलते हैं ना तो दिमाग दूसरी जगह नहीं जाता है। जब तुम किसी से लड़ रहे होते हो ना तुमको सारा काम भूल जाते हो। कोई बोलता रहा मम्मी ने तेरे को सब्जी के लिए भेजा, सब्जी बाद में लाएंगे, पहले इसकी ऐसी की तैसी, रुक जा, है? काम भूल जाता आदमी, इसलिए मुंह को खोलना है और बोलना है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? पाल गोपाल। अरे बार बार फिर गर्दन ऊपर उठा उठा के देख रहा है ये लड़का, एक बार में पढ़ना। आज तेरे पास वाला हाँ यही हाँ। गोपाल। पाल वंश का दूसरा शासक कौन था भाई? गोपाल। क्या कौन है? हाँ प्रेम। अच्छा सर आगे हैं तो भाई चलिए आज की हम क्लास 40 क्वेश्चन पे खत्म करते हैं और फिर आगे की कार्रवाई हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।